नगर निगम द्वारा जहां एक तरफ अतिक्रमण व भू माफियाओं पर सख्त कार्यवाही की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर नियम के विरुद्ध कार्य करने वालों के निर्माण पर भी निगम का हथौड़ा चल रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को एक भवन पर कार्यवाही के लिए आज निगम का अमला पहुंचा। मौके पर मौजूद अपर आयुक्त श्रृंगार श्रीवास्तव ने बताया कि भवन मालिक ने आवासीय भूमि पर कमर्शियल निर्माण की शुरुआत कर दी थी और भवन पर एक कपड़ा ढककर अंदरूनी तौर पर यहां दुकानें निकाली जा रही थी। निगम के मुताबिक पहले भी कई बार इस कार्य के लिए नगर निगम ने भवन मालिक को नोटिस दिया था, किंतु भवन मालिक ने निगम के नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपना कार्य जारी रखा, जिसके बाद आज निगम के अमले ने मौके पर पहुंचकर बिना अनुमति के द्वारा बनाए गए हिस्से को तोड़ दिया और जगह को समतल कर दिया। ये जोन 12 अंतर्गत एक रेसिडेंशियल भवन था, जिसको भवन स्वामी के द्वारा बिना किसी वैध अनुज्ञा के परमिशन के आवासीय से कमर्शियल किया जा रहा था। इन्होंने बाहर से इसको पर्दे वगैरह लगा के बंद किया हुआ था और अंदर जो स्वीकृत नक्शा था उसके विपरीत आवासीय को पूरा तोड़ के और दुकान बनाने का काम चल रहा था। इनकी शिकायत प्राप्त होने पर भवन अधिकारी के द्वारा 2 माह पूर्व से इनको लगातार पहले नोटिस दिए गए थे, फिर जब इनके द्वारा कोई दस्तावेज नहीं उपलब्ध कराया गया तो इनको कार्य रोकने के लिए भी नोटिस जारी हुआ था, पर उस पर भी इनके द्वारा कोई पालन नहीं किया गया और काम लगातार चल रहा था, तो फिर इसको आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार आज तोड़ने की कार्रवाई की गई। आवासीय भवन का जो नक्शा है उससे जितना भी विपरीत निर्माण किया गया है उसको मूल स्वरूप में लाना रहता है, तो अब जो बेसमेंट था उसकी कोई अनुज्ञा नहीं थी तो उसको भराव करा के और समतल किया जा रहा है। सर, इस कार्रवाई के दौरान कोई विरोध या कुछ ऐसा है? देखने अब शुरू में लोगों को थोड़ा सा ये अंदेशा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी सुनवाई नहीं की जा रही है और ज़्यादा तोड़ दिया जाएगा और कोई वैमनस्यपूर्ण कार्रवाई हो। जब उन्हें बता दिया गया कि आपके द्वारा इस नोटिस के ऊपर क्या कार्रवाई की गई है, आपका नक्शा क्या है और इसकी विधिवत नप्ति करवा दी गई है, तो फिर उनको उन्हें भी मालूम है कि सही कार्रवाई नगर निगम द्वारा की जा रही है और नियमों का पालन करना उनका कर्तव्य था जो उनके द्वारा चूक की गई, तो इस कारण से ये कार्रवाई हुई।